शान्ताकारं भुजक्षयं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवैरं सर्वलोकैकनाथं। राधे कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप सब? जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखें। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम बात करेंगे आमला की एकादशी की पौराणिक व्रत कथा और आमला की एकादशी व्रत की विधि के बारे में। वैदिक विधान यह कहता है कि दशमी को एकाहार, एकादशी में निराहार और द्वादशी में एकाहार करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार संपूर्ण वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, किंतु अधिक मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। प्रत्येक एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व और भिन्न भिन्न पौराणिक कथा भी होती है। काशी व्रत को सभी व्रतों में उत्तम और परम मोक्षदायिनी माना जाता है। भगवान विष्णु को एकादशी तिथि अत्यंत प्रिय है, चाहे शुक्ल पक्ष की एकादशी हो या कृष्ण पक्ष की। इसलिए एकादशी करने वाले प्रत्येक भक्त पर भगवान श्रीहरि की अपार कृपा होती है। काशी व्रत में श्रद्धा रखने वाले प्रत्येक हिंदू भक्त इस व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करते हैं और रात्रि में जागरण भी करते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का महत्व बहुत माना जाता है। इन प्रत्येक एकादशियों में एक एकादशी ऐसी भी है जिसका व्रत महाशिवरात्रि और होली के बीच मनाया जाता है, तथा इस एकादशी में आंवले का विशेष महत्व होता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमला की एकादशी मनाई जाती है। इसे आमला, आंवला या आमलक के एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आमलकी का अर्थ आंवला ही होता है। इसे हिंदू धर्म शास्त्र में भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय फल बताया गया है। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास बताया गया है। स्वर्ग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले प्रत्येक मनुष्य को फाल्गुन मास की आंवला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आंवला एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु के साथ ही आंवले के वृक्ष का पूजन भी किया जाता है। इस वृक्ष के प्रत्येक अंग में ईश्वर का वास कहा गया है। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होने के कारण वृक्ष की जड़ में श्रीहरि का पूजन किया जाता है। आमलकी एकादशी के पावन दिन पर आंवले का उपटन, आंवले के जल से स्नान, आंवला पूजन, आंवले का भोजन और आंवले का दान किया जाता है। इस प्रकार आंवले का 5 तरह से प्रयोग आमला एकादशी के दिन किया जाता है। आइए जानते हैं आमला की एकादशी का व्रत कब किया जाता है। सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार आमला की एकादशी का व्रत संपूर्ण भारतवर्ष में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह व्रत फरवरी या मार्च के महीने में आता है। आमला की एकादशी के व्रत में आंवले के वृक्ष का पूजन किया जाता है। इस प्रकार इस पावन एकादशी शास्त्रों में उसी प्रकार श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है जैसे माँ गंगा को नदियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। वेदों, पुराणों और शास्त्रों के अनुसार जब भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी, तब उन्होंने एक आंवला के वृक्ष की भी उत्पत्ति की। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल प्राप्त होता है तथा स्पर्श करने से दुगुना एवं फल को खाने से तिगुना फल प्राप्त होता है। अतः आंवले के फल को देवतुल्य माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने स्वयं कहा है कि स्वर्ग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले प्रत्येक मनुष्य को फाल्गुन मास की आंवला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, जिसके मूल में विष्णु, ब्रह्मा और भगवान भोलेनाथ स्वयं वास करते हैं। इसकी शाखाओं में मुनि, टहनियों में प्रत्येक देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुद्गण और फलों में समस्त प्रजापति निवास करते हैं। अतः भगवान विष्णु जी ने स्वयं कहा है कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमला की एकादशी का श्रद्धा पूर्वक जो कोई भी मनुष्य करेगा उसे अवश्य ही मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। पुराण के उत्तर खंड में काशी के व्रत के महत्व को पूर्ण रूप से बताया गया है। आमला की एकादशी के व्रत से भक्त
को पूर्व जन्म से प्रारंभ कर वर्तमान के जन्म तक प्रत्येक पापों से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस पावन व्रत का वर्णन स्कंद पुराण में भी अति सुंदर रूप से किया गया है। अमलकी एकादशी का व्रत सनातन हिंदू धर्म में अति उत्तम माना गया है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं एवं दोनों लोकों में उसकी विजय अवश्य निश्चित होती है। मान्यताओं के अनुसार जो भक्त एकादशी का व्रत नियमित रूप से रखते हैं उन्हें भगवान विष्णु श्री नारायण की कृपा और निरंतर प्राप्त होती रहती है। ब्रह्मांड पुराण में आमलकी एकादशी का दिन एक ऐसे व्रत के रूप में वर्णित है कि इस दिन व्रत रखने से समस्त दुखों की समाप्ति होती है तथा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। हिंदू धर्मानुसार इस व्रत के पुण्य से प्रत्येक पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दिन सूर्य तथा अन्य ग्रह अपनी स्थिति में परिवर्तित होते हैं, इसका प्रत्येक मनुष्य की इंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है। इस विपरीत प्रभाव में संतुलन बनाने हेतु ही व्रत को किया जाता है। व्रत और ध्यान ही मनुष्यों में संतुलित रहने का गुण विकसित करते हैं। अमलकी एकादशी का दिन प्रभु की भक्ति श्रद्धा से भक्ति करने के लिए अति सुखकारी और फलदायक है। दिन अगर भक्त अपनी इच्छाओं से मुक्त होकर इस शुद्ध चित्त से प्रभु की भक्ति पूर्ण निष्ठा से करते हैं तो अवश्य ही प्रभु की कृपा के पात्र बनते हैं। अमलकी एकादशी की कथा सुनने सुनाने तथा पढ़ने मात्र से 100 गायों के दान के तुल्य पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए अमलकी एकादशी मुक्तिदायिनी होने के साथ साथ समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली भी मानी जाती है। ये जानते हैं अमलकी एकादशी के व्रत में हमें किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। अमलकी एकादशी की पूजन सामग्री क्या है? भगवान विष्णु की मूर्ति, भगवान शालिग्राम की मूर्ति, भगवान के लिए पीला वस्त्र, पुष्प, पुष्पमाला, नारियल और सुपारी, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी पत्र, चंदन, कलश, प्रसाद के लिए मिठाई तथा मौसमी फल, सभी सामग्रियों को पूजन सामग्री में सम्मिलित कर लें। भगवान विष्णु के लिए उस दिन पूजन सामग्री में आंवले को विशेष रूप से शामिल करें। काशी का व्रत रखने वाले भक्तों को अपना मन शांत और स्थिर रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की द्वेष भावना या क्रोध मन में नहीं लानी चाहिए। दिन व्रत करने वाले भक्त को बुरे कर्म करने वाले पापी और दुष्ट व्यक्तियों के संगत से बचना चाहिए और निंदा से भी बचना चाहिए। इस दिन कम से कम बोलना चाहिए जिससे मुख से कोई भी गलत बात ना निकल पाए। अगर जाने अनजाने कोई भूल हो जाए तो उसके लिए भगवान श्री हरि से क्षमा मांगते रहना चाहिए। प्रत्येक एकादशी व्रत का विधान स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा है। व्रत की विधि बताते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एकादशी व्रतों के नियमों का पालन 10वीं तिथि से ही प्रारंभ किया जाता है। इसलिए 10वीं तिथि के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और शाम में सूर्यास्त के पश्चात भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए नारायण की छवि मन में बसाए हुए भगवान का ध्यान करते हुए शयन करना चाहिए। 10वीं के दिन ही चावल, उड़द, चना, मूंग, जौ, मसूर, प्याज, लहसुन, शराब तथा अन्य नशीली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं आमलकी एकादशी की व्रत विधि क्या है। काशी के दिन सुबह प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि कर लें। पूजा घर को शुद्ध करें। आसन पर बैठकर संकल्प लें, मैं आज समस्त भोगों का त्याग करके निराहार होकर एकादशी का व्रत करूंगा या करूंगी। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें और मेरे समस्त पाप क्षमा करें। संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करें, उसके ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा को रखें। उसके बाद भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराकर वस्त्र पहनाएं, धूप, दीप, पुष्प, नवेद से भगवान शालिग्राम की पूजा करें। शालिग्राम पर एकादशी के दिन तुलसी अवश्य चढ़ाएं। ऐसे अगर आप प्रतिदिन भगवान शालिग्राम पर तुलसी चढ़ाते हैं भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु का धूप, दीप, गंध, कमल, गंगाजल, पंचामृत, नवेद, मिठाई, नारियल,
सुपारी, सुंदर आंवला, बेर, अनार, आम आदि मौसमी फलों से भगवान विष्णु की पूजा करें। अंत में श्रद्धा पूर्वक लक्ष्मी नारायण की आरती करें, एकादशी माता की भी आरती करें। काशी व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। एकादशी की रात्रि में जो भक्त जागरण और भजन कीर्तन करते हैं, उन्हें श्रेष्ठ यज्ञों से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, उससे कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। यदि संभव हो तो भजन कीर्तन एकादशी की रात्रि में अवश्य करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन माँ महालक्ष्मी जी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन श्रीकंड चंदन अथवा सफेद चंदन या गोपी चंदन मस्तक पर लगाकर ही पूजन शुरू करनी चाहिए। व्रत के दिन अन्न वर्जित होता है, अतः निराहार रहें और शाम में पूजा के पश्चात फल ले सकते हैं और दूध लेकर आंशिक व्रत आप कर सकते हैं। यदि आप किसी भी कारण से व्रत नहीं रखते हैं तो एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। एकादशी के दिन आप दान करें तो पुण्य की प्राप्ति भी कर सकते हैं। ये जानते हैं पारण की विधि क्या होगी। व्रत के अगले दिन अर्थात द्वादशी के दिन सुबह स्नान के पश्चात भगवान विष्णु की पूजा करें, आरती करें। उसके पश्चात सही मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। साथ ही ब्राह्मण भोजन करवाने के पश्चात योग्य ब्राह्मण को अन्न का दान तथा यथासंभव सोना, तिल, भूमि, गौ, फल, दूध, छाता, जनेऊ या धोती दक्षिणा के रूप में देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद का वितरण करके स्वयं मौन रहकर ही व्रत का पारण करें। काशी व्रत की समाप्ति करने की विधि को पारण कहते हैं। कोई भी व्रत तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसका विधिवत पारण ना किया जाए। शेष बातों का ध्यान रखें पारण को तोड़ते समय। काशी तिथि का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पूर्व करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व समाप्त हो तो ही एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के पश्चात ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि के भीतर पारण ना करना पाप करने के समान माना गया है। काशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। तोड़ने के लिए सबसे सही समय प्रातः काल का होता है। आप उसी समय में प्रातः काल में ही व्रत का पारण करें और शुभ मुहूर्त के अनुसार ही करें। व्रत करने वाले भक्तों को दोपहर के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। भक्तगण व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत समाप्त करने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा अवश्य करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली एक चौथाई अवधि होती है। यदि व्रतधारी कुछ कारणों से प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो दोपहर के पश्चात ही पारण करना चाहिए। अब आइए जानते हैं अमलकी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा क्या है। 1000 गौदान का फल देती है अमलकी एकादशी। ओम नमो नारायणाय। आप सभी कमेंट बॉक्स में भगवान नारायण का नाम लिखते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट में जरूर लिखें। आइए शुरू करते हैं एकादशी व्रत की कथा। मधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। ऋषि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमलकी एकादशी के व्रत का वर्णन मैं तुमसे करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, सो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई भी नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और अबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल, वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नवेद, पंचरत्न आदि से धात्री यानी आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री,
तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुई हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, को नमस्कार है। तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो और मैं की प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में फिर सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय में वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुम्ब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एक काशी महात्मे की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति भी उसने सारी रात जाग कर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए, बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। समय बीतने के पश्चात उस बहेलिए की मृत्यु हो गई, मगर उस आमलकी एकादशी की व्रत और जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान ना रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है और देश से निकाल दिया है, तो इसको भी अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने के लिए दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे से वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी कि आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है, इस वन में मेरा कौन हितेशी रहता है। ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, राजा इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया, सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं, वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं। दोस्तों, यह थी आमलकी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के साथ साथ सबके साथ शेयर जरूर करें, अपने तक सीमित ना रखें। आशा करती हूँ आपको आमलकी एकादशी से संबंधित सभी जानकारियाँ मैं दे पाई। भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मैं आपकी किसी भी प्रकार से सहायता कर पाई तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। ऐसी ही लाभकारी जानकारियों के लिए आप स्पिरिचुअल सोर्स चैनल के साथ जुड़े रहें और अपना प्यार और सपोर्ट हमें दे रहें। सभी को आमलकी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर सदा बरसती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ।